तो हाँ, क्या लिख रहे थे? पास्ट द राफ्ट इज एट अ डिस्टेंस 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए, ठीक है। फाइंड द फ्लो वेलोसिटी, फाइंड द फ्लो वेलोसिटी फ्लो वेलोसिटी एज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कॉन्स्टेंट, ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कॉन्स्टेंट। एक बार अब हम क्वेश्चन को थोड़ा समझा दें, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है कि एक मोटर बोट है ना। यहाँ पे एक बार फिगर बना दे जरा। एक मोटर बोट है गोइंग डाउन स्ट्रीम, जो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, मतलब कि मान लो कि रिवर का फ्लो इधर है और बोट का भी फ्लो इधर ही है, वेलोसिटी इधर ही है। वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ रिवर दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवर केम अ राफ्ट, मतलब बीच में कहीं पे उसको एक राफ्ट मिलता है, एक टुकड़ा मिलता है, ठीक है ना, लकड़ी का, जिसको जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, पॉइंट ए पे मिलता है, ठीक है। और 60 मिनट के बाद, मतलब यहां से तो बोट जो है वो आगे निकल गया, बोट यहां से आगे निकल गया, तो बोट जो है 60 मिनट चलने के बाद, बोट जो है वो 60 मिनट चलने के बाद यहां से फिर क्या होगा, पीछे मुड़ता है। 60-60 मिनट लेटर बोट रिटर्न्ड बैक, ठीक है। और जब पीछे मुड़ता है ना, रिटर्न बैक एंड आफ्टर सम टाइम, मुड़ के कुछ समय के लिए चलता है, मुड़ के कुछ समय के लिए चलता है, और चलने के बाद वो देखता है कि राफ्ट जो है, राफ्ट ये जो टुकड़ा था वो ए पॉइंट से बढ़ के 6 किलोमीटर दूरी पे पहुंच गया है। ए पॉइंट से बढ़ के किसी बी पॉइंट पे पहुंच गया है और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर है, ठीक है। ऐसा होता है। तो ये तुमको कहानी सुना दिया गया कि ऐसा 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 हो रहा है। अब इसमें क्या है कि पूछा ये गया कि क्या है कि फ्लो वेलोसिटी निकालिए। फ्लो वेलोसिटी मतलब कि भाई रिवर का फ्लो वेलोसिटी, रिवर का जो वेलोसिटी उसी को फ्लो वेलोसिटी कहते हैं, वो निकालिए। ये एज्यूम करते हुए कि जो इंजन है, इंजन वो कांस्टेंट वेलोसिटी उसको प्रदान करता है, ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? मतलब पानी में बोट का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रखता है, इंजन इस तरीके से चल रहा है, ड्यूटी इस तरीके से कर रहा है कि पानी में जो भी बोट का वेलोसिटी हो वो कांस्टेंट बना रहा है, उसका मैग्नीट्यूड आई मीन के कांस्टेंट बना रहा है, इस तरीके से इंजन ड्यूटी कर रहा है। इस बात को एज्यूम करते हुए रिवर की क्या वेलोसिटी है वो आपको निकालना है, और बाकी कहानी क्या क्या है, क्या क्या घटना घट रहा है वो बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया है अनामिका? एक बार रिपीट करिएगा, आपको साउंड नहीं आ रहा था। अच्छा, एक बार और रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन ये है कि या ये एरो, हाँ, तक सुन पा ये मेरा वो दिख रहा है ना, एरो दिख रहा है ना मेरा, ये पॉइंटर आई मीन। तो एक मोटर बोट है, ठीक है ना, एक मोटर बोट है वो डाउन स्ट्रीम मूव कर रहा है। डाउन स्ट्रीम मूव कर रहा है मतलब कि जिधर रिवर का फ्लो है उधर ही बोट का ही फ्लो है, तभी उसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। तो वो डाउन स्ट्रीम मूव कर रहा है और अपने मूव करते हुए रास्ते में किसी एक पॉइंट ए पे
उसको एक राफ्ट मिलता है, मतलब उसको हम बोले कि एज्यूम करो कि अभी एक टुकड़ा है लकड़ी का कुछ जो उसको मिलता है रास्ते में, ठीक, और रास्ते में मिलता है पॉइंट ए पे, और फिर पॉइंट ए से वो आगे गुजर जाता है, बोट आगे निकल जाता है। तो बोट आगे निकल जाता है और आगे निकल के 60 मिनट के बाद, यहां से आगे निकला और बोट आगे 60 मिनट तक और चलता है आगे ही डाउन स्ट्रीम। 60 मिनट के बाद वो वापस मुड़ जाता है, बोट क्या होता है वापस मुड़ जाता है, और मुड़ता है तो किसी पॉइंट बी पे उसको राफ्ट दिखता है। अब राफ्ट उसको कहाँ दिखता है, किसी पॉइंट बी पे दिखता है, और वो पॉइंट बी जो है पॉइंट ए से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। पॉइंट बी पॉइंट ए से कितने दूर किलोमीटर की दूरी पे है, 6 किलोमीटर, जहां पे लौटते वक्त मिला है ना बोट को राफ्ट, उसको हम पॉइंट बी बोल दिए, ठीक है ना, और वो पॉइंट बी पॉइंट ए से 6 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक। ये कहानी पहले सुनाई है कि ऐसा 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 हो रहा है, ठीक। अब इसके बाद सवाल ये पूछ दिया गया कि फ्लो वेलोसिटी निकालिए। फ्लो वेलोसिटी निकालिए मतलब रिवर का बेसिकली वेलोसिटी पूछा जा रहा है। उसमें एज्यूम ये करना है कि जो ड्यूटी है इंजन का वो कांस्टेंट है। ड्यूटी इंजन का कांस्टेंट है कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी बोट का वेलोसिटी होगा रिवर में, रिवर के रिस्पेक्ट में जो भी बोट का वेलोसिटी होगा, उसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा, आई मीन, वो उसको कांस्टेंट ही बनाए रखता है। उसको क्या बनाए रखता है, वो कांस्टेंट बनाए रखता है ओवर द होल पाथ। ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट का मतलब ये है। तो इसको वेलोसिटी ऑफ एज्यूम करते, बोट रिस्पेक्ट आवाज नहीं आ रहा है, नहीं जा रहा। अब आया। बोलो, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होल टाइम कांस्टेंट रहेगा मैग्नीट्यूड बोला जा रहा है, तो पूरे मैग्नीट्यूड, जर्नी में। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड पूरे जर्नी में रहेगा कि नहीं रहेगा हमको नहीं पता, लेकिन लेकिन मान लो, अरे यार अब सब सवाल तो फिर मेरे से ही करवा लो। डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कुछ होगा, अप स्ट्रीम आएगा तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कुछ होगा। खैर ठीक है, वो क्या होगा नहीं होगा हम उसके बारे में चलो अभी खुलासा तो नहीं करेंगे। एटलीस्ट तुमको प्रॉब्लम समझ में आया कि क्या है, पूरा कहानी समझ में आया क्या क्या वो बोला, ये बता। ड्यूटी ऑफ इंजन का मतलब क्या है वो नहीं सुनता। ड्यूटी ऑफ इंजन का नेटवर्क मतलब ये प्रॉब्लम है, हो रहा है। ड्यूटी ऑफ इंजन का मतलब ये है कि इस तरीके से इंजन चल रहा है कि रिवर के वेलोसिटी के कारण उसका वेलोसिटी जो भी वो शुरू में अटेन किया था, पानी में कुछ भी अटेन किया होगा वेलोसिटी, है ना, वो अटेंड वेलोसिटी अफेक्ट नहीं होगा, ये बात है। इस तरीके से इंजन ड्यूटी कर रहा है उसका, इंजन इस तरीके से काम कर रहा है उसका। मतलब यही है यार कि वेलोसिटी ऑफ बोट जो है रिवर के रिस्पेक्ट में, उसका अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, रिवर का इफेक्ट वो नहीं पड़ने दे रहा है इंजन, इंजन जो है रिवर का असर नहीं पड़ने दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? जैसे अगर हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं तब तो मान लो हमको रिवर सहारा दे रहा है चलने में, लेकिन डाउन स्ट्रीम जब आएंगे तो रिवर तो हमको अपोज करेगा ना मेरे वेलोसिटी को, क्या
तो उस वैसी स्थिति में भी, चाहे स्थिति डाउन स्ट्रीम था या चाहे स्थिति अप स्ट्रीम था, दोनों ही स्थिति में वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बना रहता है, ये मतलब है इस स्टेटमेंट का। ठीक है, समझ में आया तुमको शालिनी, क्या है प्रॉब्लम, क्या है? शालिनी हाँ भैया, कोई डाउट, प्रॉब्लम समझने में कोई डाउट कहीं पे? नेहा तुमको नहीं भैया, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी तरीके से? ठीक, हाँ, क्वेश्चन समझ में आया। चलो कुछ टाइम देते हैं, 2-3 मिनट ट्राई करो, एक बार सोचो, उसके बाद हम लोग करते हैं इसको। बताइए भैया। बताए हाँ भैया, थोड़ा तो रुक जाएगा, दो क्या? मिनट और, 2 मिनट और वेट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, तब तक बात करते हैं सालनी से। अच्छा तुमको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए सालनी?
डिस्टेंस और टाइम के हेल्प से वेलोसिटी निकालेंगे। डिस्टेंस वो दोनों के बीच में दिया हुआ ना, जैसे कि ए और बी, राफ्ट का बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है 6 किलोमीटर, और टाइम है 60 मीटर। टाइम इज 60 मिनट, अच्छा हाँ, मिनट। वो ए से किसी पॉइंट सी, मान लो इसको, मान लो ए से सी में जाने का समय है 60 मिनट, और यहां से वो फिर मुड़ता है, यहां से फिर वो मुड़ता है सी पॉइंट से, तो वो मुड़ गया है ना। बोला क्या गया क्वेश्चन में, देखो पीछे क्वेश्चन में, 60 मिनट वो चलता है, पॉइंट ए पे वो मिला राफ्ट से, और उसके बाद 60 मिनट चलता है, 60 मिनट चलने के बाद वो मुड़ता है, 60 मिनट चलने के बाद क्या करता है, वो मुड़ता है, सी पे पहुंचता है और फिर मुड़ जाता है, 60 मिनट यहां से चला, ए से सी तक आया और फिर मुड़ जाता है, और फिर मुड़ने के बाद कुछ समय तक चला, हमको नहीं पता कितने समय तक चला, कुछ समय तक चला, बोला ना आफ्टर सम टाइम, मुड़ने के बाद कुछ समय तक चला, चलने के बाद जब वो बी पॉइंट पे पहुंचा तो देखा कि यहाँ पे राफ्ट पहुंच गया है, और वो जो राफ्ट पहुंच गया है वो एक्चुअली ए से 6 किलोमीटर आगे बढ़ गया है, और उसी को बी पॉइंट बोला, ये हुआ है कहानी। मतलब रिवर की वजह से उसमें राफ्ट में जाहिर सी बात है, डिस्प्लेसमेंट या जैसे डिस्टेंस अगर हुए हैं। अगर अगर जाहिर सी बात है शालिनी, कि अगर तुम एक लकड़ी का टुकड़ा रिवर में डाल दो, एक लकड़ी का टुकड़ा रिवर में डाल दो, और रिवर फ्लो कर रहा हो, मूव करता हो, मतलब स्टिल नहीं, तो जाहिर सी बात वो रुका हुआ तो नहीं रहेगा, वो कुछ आगे बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना आगे, तो आगे बढ़ गया, ए पॉइंट पे पहले था, अब वो आगे बढ़ गया, कुछ बी पॉइंट पे पहुंच गया, और ए से बी का दूरी बता दिया गया है कि 6 किलोमीटर है, ठीक, और जाहिर से बात है कि ए से बी तक वो जो पहुंचा है वो रिवर के वेलोसिटी के कारण पहुंचा है, रिवर के अलोन वेलोसिटी के कारण पहुंचा है, लकड़ी के टुकड़े का अपना कोई वेलोसिटी नहीं है एज सच, ये मेंशनड है, ठीक है। अब करें अनामिका, मतलब ए से बी जब पहुंचा है तो उसका टाइम 3 मिनट, उसका टाइम मतलब ए जैसे ए बोट है जो ए से सी गया है उतना ही का टाइम दिया है 60 मिनट ना, उतना ही का फिर टाइम, बी किसी से रिटर्न बैक किया, बी से रिटर्न किया रिटर्न बैक बी किया, पर, उसका टाइम नहीं दिया। उसका टाइम नहीं हाँ तो दिया, उसका टाइम नहीं दिया हुआ। अच्छा नहीं दिया, लेकिन देखो सालनी, अच्छा चलो इसको सॉल्व करते हैं अब हम, ठीक है ना। पहले तो किसी भी बोट और रिवर प्रॉब्लम में वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ऐसे लिखा जाएगा किसी भी बोट रिवर प्रॉब्लम में, और ऑब्वियसली यहाँ पे ग्राउंड छुपा हुआ है, बार बार हम ग्राउंड लिखेंगे नहीं, ठीक है, ये बात मान रहे हैं हम लोग सब लोग, अब यहीं से वेलोसिटी ऑफ बोट निकाल लिया जाए, तो वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक, यहां से निकाल लिया, और डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जिधर है, यहाँ पे हमको एक्चुअली ये लिखना चाहिए था, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जिधर है उधर ही एक्चुअली रिवर का भी वेलोसिटी है, ठीक है, तो अगर उधर ही वेलोसिटी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट का अगर मैग्नीट्यूड मेरे को निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बोट का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, तो वो क्या आएगा, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, दो वेक्टर
सेम डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएंगे। कोई ए वेक्टर है और कोई बी वेक्टर है, तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अरे क्या होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड? लैम्डा ए प्लस बी ऐसे मतलब अरे इन जनरल लैम्डा फॉर्मूला क्या होता ए है, क्या होता है? सुनो सुनो, इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस हर बार बी स्क्वायर स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर ए प्लस बी बी कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये थीटा क्या होता है? ए कॉस और बी थीटा के बीच जीरो का हो एंगल गया होता तो है, जीरो हो गया। ए और बी के बीच का ही एंगल होता है ना ये थीटा, हाँ, तो यहाँ पे थीटा क्या जीरो होगा है। पैरेलल है तो जीरो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो गया, तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, हाँ और इसका रूट क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया। अरे आया अच्छा डायरेक्ट। हाँ तो ये सब याद नहीं है तुम लोगों को? जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो मैग्नीट्यूड सीधा दोनों हाँ तो लैम्डा वेक्टर का लगा सम के हम हो बोल जाता है, रहे थे। जी सीधा मैग्नीट्यूड का सम हो जाता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तब फिर जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड ए माइनस ए बी माइनस बी होता, ए ए माइनस बी होता है। ए माइनस बी तब होता है जब ए का मैग्नीट्यूड एक्चुअली बी से बड़ा हो। ये बी माइनस ए भी हो सकता है, वो तब होता है जब बी का मैग्नीट्यूड ए से बड़ा हो। ये दोनों ही होता है कि नहीं होता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है। उसमें सिर्फ ख्याल ये रखना पड़ता है हाँ कि कौन बड़ा वेक्टर है, बड़ा वेक्टर माने छोटा वेक्टर होता है अगर दो वेक्टर अपोजिट में हो तो, बस इतना ध्यान रखना होता है। बड़ा वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस छोटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में सीधा दोनों का जोड़। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ हाँ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, जब डाउन स्ट्रीम का बात चल रहा है तो दोनों का सीधे मैग्नीट्यूड का सम हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट का मैग्नीट्यूड होगा। अरे वेलोसिटी ऑफ बोट जो है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर का रिजल्टेंट है कि नहीं? दोनों ही वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो सीधा दोनों के मैग्नीट्यूड का जोड़ लिख देंगे यहाँ पे। ठीक तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का मैग्नीट्यूड मान लो VBR लिखें, और वैसे ही वेलोसिटी ऑफ रिवर का मैग्नीट्यूड मान लो VR लिखें, यही वेलोसिटी ऑफ बोट का मैग्नीट्यूड आ गया फॉर डाउन स्ट्रीम। नीचे डाउन लिख देते हैं डी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? नहीं भैया, और वही अगर वेलोसिटी ऑफ बोट के मैग्नीट्यूड का अप स्ट्रीम निकालना हो, क्या निकालना हो, अप स्ट्रीम, तब क्या होगा? तब जाहिर सा बात है कि अभी अभी बताएं कि दो माइनस वेक्टर हो तो अब जाए। अपोजिट हो जाएगा, तो बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर। तो अगर मान लो बोट मूव कर रहा है, बोट अगर मूव कर रहा है, तो बोट अगर मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि बोट का वेलोसिटी रिवर में, रिवर के वेलोसिटी से ज्यादा होगा तब ना बोट मूव कर पाएगा उल्टे डायरेक्शन में। जैसे तुम मान लो पानी में गई, पानी में तुम जिधर जा रही हो उसके उल्टा पानी का फ्लो है, और लेकिन तुम आगे बढ़ पा रही हो, तो आगे तभी ना बढ़ पाओगी जब तुम्हारा वेलोसिटी पानी के बहाव से ज्यादा हो पाए, तभी तो आगे बढ़ पाओगी, नहीं तो आगे बढ़ पाओगे क्या, पीछे ढकला जाओगे ना। तो अगर आप स्ट्रीम का बात कर रहे हैं और वेलोसिटी जो बोट का है रिवर के रिस्पेक्ट में वो बड़ा है वेलोसिटी ऑफ रिवर से, तब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का मैग्नीट्यूड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट का अप स्ट्रीम में।
आ जाएगा। बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर किए हैं बस, हम माने हैं कि बोट का वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में जो है वैल्यू वो बड़ा है रिवर के वैल्यू से, रिवर के वेलोसिटी से। ठीक, तो ये लिख सकते हैं, ये डाउन स्ट्रीम के लिए, ये अपर स्ट्रीम के लिए। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। चलो अब आगे आते हैं। कोई पॉइंट ए था जहां पर राफ्ट मिला था, कोई पॉइंट सी है जहां से वो मुड़ेगा, जहां से बोट क्या होगा मुड़ेगा। अभी पॉइंट ए से ऐसे क्रॉस कर रहा है और पॉइंट सी से बोट मुड़ेगा, और मुड़ने के बाद जब वो पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो देखेगा कि राफ्ट तो यहां पहुंच गया है, राफ्ट जो है यहां पहुंच गया है, और ए से बी के बीच का दूरी मेरे को गिवन है कि वो 6 किलोमीटर है। ठीक, और ए से सी जाने में, ए से बोट जब सी गया है तो यहां से यहां जाने में टाइम कितना लिया है बोट, 60 मिनट लिया है। ए से सी जाने में टाइम कितना लिया है, 60 मिनट, मतलब 1 आवर। कोई दिक्कत? और जब वो सी से लौटा है, कहां पहुंचा है बी पे, तो उसमें कितना टाइम लिया है मेरे को नहीं पता, टी प्राइम। मान सकते हैं कि सी से बी में जाने में टाइम जो लगा है वो टी प्राइम लगा है, लेकिन इसी समय अंतराल में, मतलब टी प्लस टी प्राइम समय अंतराल में ही, इसी समय अंतराल में जो राफ्ट है वो ए से बी पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है, ये मानते हो? स्नेहा नहीं, फिर से। सुनो ध्यान से, बोट जो है वो मूव कर रहा था अपर स्ट्रीम, बोट क्या मूव कर रहा था, अपर स्ट्रीम मूव कर रहा था, अपर स्ट्रीम मूव कर, सॉरी अपर स्ट्रीम कर रहा, डाउन स्ट्रीम मूव कर रहा था, हाँ हाँ सॉरी, डाउन स्ट्रीम मूव कर रहा था। डाउन स्ट्रीम मूव करते वक्त उसको ए पॉइंट पे एक टुकड़ा मिला लकड़ी का, ठीक, हाँ और इस लकड़ी को, टुकड़े को वो पार करते हुए आगे मूव कर गया। ए पॉइंट पे वो टुकड़ा मिला था और हम मान रहे हैं कि वो सी पॉइंट पे पहुंचा और तब जाके वो रिटर्न हुआ है। बोला है कि ए पॉइंट पे मिला था ठीक टुकड़ा और आगे किसी डिस्टेंस तक वो चला और फिर मुड़ गया, तो वो जिस भी पॉइंट तक चला उस पॉइंट को हम सी मान लेंगे, जिस भी पॉइंट तक गया जहां पे वो मुड़ा है वो पॉइंट सी है, मान सकते हैं। हाँ मान सकते हैं। तो ए से सी तक, मतलब जब तक वो मुड़ा नहीं है, वहां से वहां जाने में उस समय कितना लिया है, 60 मिनट लिया है कि नहीं लिया है, ये बोला गया है, ये क्वेश्चन में बोला गया है ना। हाँ बोला गया। 60 मिनट लेटर बोट टर्न्ड बैक, 60 मिनट के बाद वो मुड़ा है, तो सी पॉइंट तक जाने में कितना समय लिया होगा, 60 मिनट लिया होगा, यही तो बोल रहे हैं। ठीक, अब वो जो मुड़ा, तो मुड़ने के बाद वो कुछ समय के लिए चला, कितने समय के लिए चला हमको नहीं पता, जितने समय के लिए भी चला तो चलते वक्त वो देखा कि जो टुकड़ा था वो तो बी पॉइंट पे पहुंच गया है। टुकड़ा कहाँ पहुंच गया है, बी पॉइंट पे। तो वो जितने समय के लिए भी चला उसको हम टी प्राइम मान लेंगे, मुड़ने के बाद जितने समय के लिए वो चला उसको क्या मान लिया हम, टी प्राइम मान सकते हैं। हमको नहीं पता कुछ समय कितने समय के लिए हाँ चला। हाँ मान सकते हैं। अब बोट जितने समय में यहां से घूम के यहां तक आया, ए पॉइंट से चलते चलते सी पॉइंट के होते होते वो बी पॉइंट तक जितने समय में आया,
उतने ही समय में तो ये टुकड़ा ए से बी पहुंच गया है, उतने ही समय में पहुंचा है। अरे जितना समय उसको यहां से यहां आने में लगा, उतने ही समय में ना उसको यहां से आने में लगा। स्टार्टिंग पॉइंट से ए पॉइंट तक। अरे हाँ ए भैया, पॉइंट से उसको, ए पॉइंट से बोट चला और चलते चलते सी पॉइंट पाया, सी से फिर मुड़ के वो बी पॉइंट पे पहुंचा। ये पूरा एरो हम दिखा रहे हैं ना, ये पूरा हाँ जर्नी भैया, जितने समय में बोट ट्रेवल किया उतने ही समय में ये राफ्ट तो ए से बी पे पहुंचा। हाँ तो इसका मतलब क्या है कि टी प्लस टी प्राइम समय में जितना टी प्लस टी प्राइम समय में जितना डिस्टेंस बोट ट्रेवल किया है उतने ही समय में राफ्ट जो है 6 किलोमीटर ट्रेवल किया है। राफ्ट तो 6 किलोमीटर ट्रेवल किया है ना ए से बी में ठीक। हाँ भैया, अच्छा तो अब जरा एक बात ध्यान से देखना, अगर हम टी को लिखना चाहें, टी बेसिकली 60 मिनट है, टी 60 मिनट है ना, तो गिवन है ना टी, तो टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। और हम ग्राउंड से सारा कहानी देख रहे हैं, सारा कहानी कहाँ से देख रहे हैं, ग्राउंड से देख रहे हैं ना, ये सारा कहानी ग्राउंड से देख रहे हैं, तभी तो हम बोल रहे हैं कि ए जो है वो ए से चल के बी पहुंच गया। नहीं तो अगर रिवर से ही बैठ के देखते, मान लो हम रिवर पे ही बैठ जाते, यहीं बैठ जाते रिवर पे, तो रिवर पे ही बैठ जाते हैं तो ए को क्या मूव करते हुए देखते हैं हम, बताओ। ए का वेलोसिटी तो रिवर के वेलोसिटी के बराबर है ना, तो क्या ए को मूव करते हुए देख पाते हैं, समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं। अगर मान लो हम रिवर पे ही बैठ जाएं, रिवर में ही चले जाएं, तो रिवर जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से तो हम भी मूव करने लगेंगे ना, करने लगेंगे कि नहीं करने लगेंगे बताओ। और रिवर हाँ, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से तो ये भी मूव कर रहा है, कर रहा है। और मेरा वेलोसिटी और ए का वेलोसिटी तो सेम ही भैया, रहेगा ना, अगर रिवर्स से ही बैठ के देखने चालू कर दे तो एको, तो हम दोनों का अगर वेलोसिटी सेम हो जाएगा मेरा और ए का, तो जाहिर सी बात है कि ए को क्या मूव करते हुए हम देखेंगे कभी, ये तो रेस्ट में लगेगा कि रेस्ट में रुका हुआ है। जैसे ट्रेन में हम लोग ट्रेवल करते हैं तो ट्रेन में हम और मान लो शालिनी ट्रेवल कर रहे हैं, तो मेरा वेलोसिटी ग्राउंड के, ग्राउंड वाला कोई देख रहा है हमको, तो मेरा कुछ वेलोसिटी है, जितना ट्रेन का वेलोसिटी उतना ही मेरा भी वेलोसिटी है। वैसे ही सालनी को भी देख रहा है, तो सालनी का वेलोसिटी जितना ट्रेन का है उतना ही सालनी का भी है, तो ग्राउंड वाला आदमी तो देख रहा है कि सालनी भी मूव कर रही है, हम भी मूव कर रहे हैं, लेकिन हम क्या सालनी को मूव करते हुए देखेंगे, बताओ। सालनी रेस्ट नहीं। में ही देखेंगे ना, तो अगर भाई ये सारा कहानी जो हम बोल रहे हैं कि ए से बी पे पहुंच गया और 6 किलोमीटर दूरी है, ये सब कहानी तभी बोल पा रहे हैं जब ग्राउंड से ऑब्जर्व आंसर किया जा रहा 3 किलोमीटर पर आवर है। हेलो, है। अरे यार बीच में नहीं बोला करो यार, इतने देर के बाद अब बीच में आंसर बोल दी। जो समझा रहे पहले उसको समझो, जिस वक्त टाइम हम दिया तो बोल ही रहे सॉल्व किए नहीं, टाइम लेंगे थोड़ा सा। तो टाइम कितना, एक बार बताओ, 10:53 में हम सवाल दिए, 16:07 कितना मिनट हो गया, 23 मिनट हो गया, इतने देर के बाद प्रॉब्लम हम रुके रहेंगे बताओ। बना लिए तो तो चलो कल ठीक है, जो भी है हमको नहीं पता, लेकिन जब प्रॉब्लम समझा रहे होते हैं तो प्रॉब्लम को समझना चाहिए, एक टाइम लिमिट हम दे दिए कि इतने टाइम में प्रॉब्लम हो जाना चाहिए, उतने टाइम तक अगर आप नहीं कर पाए हो
तो जब डिस्कशन हो रहा है क्लास में तो डिस्कशन को देख, जब आपको होमवर्क दिया जाता है तो उस वक्त आप जितना टाइम लेना चाहते हैं आप टाइम लो, वो आप इंडिपेंडेंट हो वहां पे, लेकिन फिर डिस्कशन ही समझ नहीं पाओगे ना। डिस्कशन से भी तो कुछ कुछ सीखते हैं ना, कि ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, फिर डिस्कशन में तो आप इन्वॉल्व ही नहीं हो, समझ। वीडियो लेक्चर देख लेंगे। चलो ठीक है, तो बहुत बढ़िया, वीडियो लेक्चर ही देखना थी, बहुत बढ़िया, ठीक बना बना ठीक है ठीक है, चलो जो भी है। तो ये जो टाइम है, ये टाइम जब हम निकालेंगे तो टाइम निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। ये पहले कहानी क्लियर है कि जो जितना भी पिक्चर हम दिखाए हैं कि बी ए से 6 किलोमीटर की दूरी पे है या जो भी है, ये सारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहानी चल रहा है। हाँ भैया क्लियर है। हाँ, तो टाइम इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस ए से सी का डिस्टेंस कुछ एक्स मान सकते हैं, कि ए से सी का जो डिस्टेंस है वो एक्स है, 1 किलोमीटर माना जा सकता है, कुछ मान ली एक्स। और ए से बी का डिस्टेंस चूंकि 6 किलोमीटर है, तो बी से सी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, एक्स माइनस 6 किलोमीटर होगा। तो ए से सी डिस्टेंस कवर करने के लिए बोट को जितना समय लगा है उसको हम टी बोल रहे हैं, तो वो टी कितना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस भाई एक्स मान रहे हैं हम, और स्पीड वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड लिखा जा रहा है ना, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट से ही ये एक्स है और ये एक्स माइनस सिक्स है, ठीक है। ये टाइम आ गया, और ये एक्चुअली कितना गिवन है, 1 आवर, 1 आवर गिवन है ये, ठीक। तो और वैसे ही टी, ये यहां से आप चाहें तो एक्स निकाल सकते हैं, वो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टाइम्स 1, यही आएगा एक्स का वैल्यू, ठीक है। इसको आप कुछ इक्वेशन मान लो 1। अब मान लो वैसे ही हम टी प्राइम कैलकुलेट कर, कि सी से बी तक आने में कितना समय लिया है बोट, टी प्राइम। तो बोट जितना डिस्टेंस तय किया होगा, कितना किया है, एक्स माइनस 6 किलोमीटर, और बाई स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज वीबी जी। अब एक्स को ये 1 से उठा के पुट कर दे, 1 का जो वैल्यू है उठा के यहां पुट कर दे, 1 पुट कर सकते हैं एक्स का वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू 1, यही है ना एक्स का वैल्यू। हाँ हाँ कि ना स्नेहा, एक्स का वैल्यू वन एक्स का वैल्यू वीबी जी इनटू 1।